खेली देखेंगे। ठीक है, लेक्चर नंबर थ्री। ओके, हाँ लेक्चर नंबर थर्ड। ओके स्टार्ट करते हैं। हम लोग कहां तक लेक्चर साइक्लो एल्केन तक हो गया था। ओके चलो एक बार हम लोग थोड़ा सा एल्केन फैमिली को 10 बार बोल लेते हैं मेथेन से। स्टार्ट करते हैं, राशि आप बोलेंगे, आपके पीछे पीछे हम भी बोलेंगे क्योंकि हमको नहीं आता है। अच्छा आज छोड़ देते हैं पर मैम। हम बोलते हैं। अच्छा बोलिए। मीथेन, मीथेन, इथेन, इथेन, प्रोपेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ब्यूटेन, पेंटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेक्सेन, हेप्टेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, नोनेन, डेकेन। समझ में आ गया? Yes, आपका फिर से हम लोग देखते हैं हाइड्रोकार्बन में आपका ओपेन चेन 10 तक हो गया था एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का तीनों का। और हम लोग उसके बाद चले थे क्लोज चेन में। क्लोज चेन में आप साइक्लो एल्केन भी हो गया था, साइक्लो एल्कीन भी हो गया था और साइक्लो एल्काइन भी हो गया था, राइट? अब यहां से ऑर्गेनिक स्टार्ट होता है, जो एक्चुअल में ऑर्गेनिक होता है, जो नोमेनक्लेचर होता है वो हम लोग आप सीखना स्टार्ट करते हैं। आई बात समझ में? नोमेनक्लेचर। अब हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं? नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर का ज्यादा कोई खास रूल है? पहले वाला बताएंगे, बताइए। रिकैप तो करवा लेंगे। ये रिकैप सॉरी हुआ तो क्या हुआ? तुम वीडियो ले। ठीक है, नोमेनक्लेचर का तीन रूल होता है। नोमेनक्लेचर का तीन रूल। फर्स्ट रूल, फाइंड द लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चेन इसी को बोलता है, आपको पेरेंट्स चेन भी कहीं पे देखने को मिलेगा, तो पेरेंट्स चेन। ठीक है, पहला रूल। तो पहला रूल हम लोग लिख लिया, उसको देखते हैं कि एक्चुअली होता ये क्या है। ठीक है, कोई डाउट इतने में? चलो तो हम लोग फर्स्ट रूल पे चलते हैं। फर्स्ट रूल आपका क्या है? फाइंड द लॉन्गेस्ट चेन। लिख लिए थे? नहीं, तो लिख लीजिए। उसको हम लोग पहले समझते हैं। आप लोग पहला रूल को अच्छे से समझ जाइए, उसके बाद आप लोग को और आगे समझने को, सीखने को, बुझने को मिलेगा इसमें बहुत कुछ। फाइंड द लॉन्गेस्ट चेन। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नोमेनक्लेचर अपने आप में बहुत बड़ा रोल रखता है। अगर नोमेनक्लेचर आप करना सीख गए तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 10% आप सीख गए हैं। अगर आप नोमेनक्लेचर करना सीख गए तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 10%, समझ जाइए। अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आपको 50% जो एग्जाम क्वेश्चन पूछा जाता है सिर्फ ऑर्गेनिक से पूछा जाता है, इसलिए बार बार समझा रहे हैं। सिर्फ आप ऑर्गेनिक पढ़ कर दिए, पासिंग मार्क्स आराम से आपको आएगा, कहीं कोई डाउट नहीं है। और ऑर्गेनिक में नोमेनक्लेचर सीख गए तो आपको 10% केमिस्ट्री आया, क्योंकि सभी जगह आपको नोमेनक्लेचर आएगा, इसलिए अच्छे से इसको सीख लेते हम लोग। ठीक है चलते हैं। फाइंड द लॉन्गेस्ट चेन हम लोग कैसे जानेंगे? CH3, CH2, 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 CH3। इस तरह से आपको जैसे इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं देगा, ठीक है, लेकिन हम फिर भी आपको इतना कॉम्प्लिकेटेड दे करके लॉन्गेस्ट चेन आपको ढूंढने के लिए सिखाते हैं। हम लोग कैसे लॉन्गेस्ट चेन ढूंढेंगे? तो सबसे पहले हम लोग नंबरिंग करना सीखते हैं। क्या सीखते हैं? नंबरिंग करना। ठीक है, तो देखते हैं लॉन्गेस्ट चेन हमको कहां से मिलेगा। स्टार्ट करते हैं 1, 2, 3,
फोर, सिर्फ कार्बन काउंट होता है, ऑलवेज रिमेम्बर दिस, चार पांच छ सात, ये सात आ गया जी। फिर और काउंटिंग करते हैं, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ, ये भी करते हैं। और दूसरे तरीके से हम लोग कर सकते हैं, एक दो तीन चार पांच छ सात, ये भी वही आ गया। हम और दूसरे तरीके से करते हैं, हम लोग इधर से तो ऐसे 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 जा सकते हैं, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ, ये भी नौ हो गया। और किसी और दूसरे तरीके से हम लोग काउंट करते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, ये भी नाइन हो गया। मतलब किसी ना किसी पर्पज से आपको लॉन्गेस्ट ढूंढना है। हाँ बोलिए, ठीक है, तो आपको किसी न किसी फॉर्म में आपको लॉन्गेस्ट फाइंड आउट करना है। क्या करना है? लॉन्गेस्ट। अब आई डोंट थिंक इन माइंड से कहीं ज्यादा होगा, हम लोग काउंट कर चुके हैं। तो हम लोग आपको इस तरह से अगर सेटिस्फेक्शन आपको मिल गया कि चलो ठीक है ये लॉन्गेस्ट लेना है, तो आपको इधर से पिन करना, इसको एक तरह से इस तरह से लाइन खींच लें, यहाँ ना, इस तरह से आप लोग सिर्फ आपके लिए बता रहे हैं कि इस तरह से आप लॉन्गेस्ट ढूंढ लें, इतना कर करके आप लोग छोड़ दें, अभी कुछ नहीं करना, यही आपका लॉन्गेस्ट मिल गया। अगर ऐसे नहीं कर देते तो ये भी तो हो सकता था ना, इस तरह से ये भी हो सकता था, तो आपको कोई भी आप चाहे इधर चाहे उधर ले सकते हैं लॉन्गेस्ट, डजेंट मैटर, ठीक है। कोई डाउट? पहला रूल हम लोग सीख गए, एक दो और हम लोग सीखते हैं, एक दो और हम लोग सीखते हैं, ठीक है, उसके बाद देखेंगे आप लोग पेरेंट्स सीखेंगे, ठीक है। तो इसको एक बार देख लो, अब समझ में आ गया, एक बार देख लो उतार करके, उसके बाद आप लोग आगे चलेंगे। कॉपी में कुछ छोटा काम बोले आगे देखते हैं। ओके, आप लोग के लिए एकदम सस्ता सुंदर टिकाऊ जो आप लोग कर लेंगे, ठीक है, सी एच थ्री सी सी एच थ्री सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू सी एच सी एच टू सी एच थ्री सी एच थ्री, ठीक है, इस तरह से आप काउंटिंग करेंगे। एक और समझा देते हैं आपको, हाँ रुक गए, देखिए आपको, आप काउंटिंग करते हैं, यहां से काउंटिंग करते हैं, यहां से या कहीं से करें, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, फिर से काउंटिंग करते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, या फिर यहां से भी काउंटिंग करेंगे तो वन टू यहां ही आएगा आपका, इस तरह से काउंटिंग करेंगे, ठीक है। तो आपका ये चेन आप ले सकते हो, ये तो बहुत इजी था, समझ में आया, मतलब हर हालत में आपको लॉन्गेस्ट कार्बन दिखना चाहिए, आया समझ में, कोई डाउट इतने में, कोई डाउट इतने में, चलो एक और आपको देते हैं, आप इसको फाइंड आउट करेंगे। चलिए देखिए, आपको हम फंसाना चाह रहे हैं, अब आई डोंट नो कि आप फंसेंगे कि नहीं फंसे, कॉपी पे, अच्छा कॉपी, हाँ कॉपी पे, कोई भी बोर्ड को डिनोट नहीं करेगा सर ये होगा, आप बताएंगे लॉन्गेस्ट ने आपको कितने कार्बन एटम पाया, तो आप डिस्कस मत करिएगा, सबका कॉपी चेक कर दीजिएगा, ठीक है, तो सहानुभूति मिलेगा, ये होगा, ठीक है। अरे सौ रुपया का जो बेट लगा रहे हो हार जाओगे, एक दो तीन चार पाँच, ये दोनों आप खोल के आप देखेंगे तो यहाँ पे दो कार्बन दिख रहा है, तो दो हुआ ना, आठ दो तीन आठ चार पाँच छ सात आठ है, पूछते हैं हम लोग से कुछ और बताते हैं कुछ और, गलत गलत आप बताएं, सिंपल में सी वाला सी वाला, आप पूछ लीजिए,
आपको पहले बोले कि हम आपको फंसा रहे हैं, इस तरह से आपको एग्जाम में फंसाएगा। तो जहां आपको कार्बन काउंट बोले हैं करने के लिए, यहाँ पे दोनों आंख खोल के देखेंगे तो दो कार्बन नहीं दिख रहा है, तो दो में वही है, दो तीन चार पांच छह आठ, समझ में आया। इस तरह से आपको एग्जाम में फंसा सकता है, समझ में आई बात। कोई डाउट? एग्जाम में ना फंसो इसलिए हम आपको फिलहाल फंस जाओ, थोड़ा सा माल उठा लो, लेकिन एग्जाम में गलती करके नहीं आना। नहीं दो से होगा, दो से, समझ में आया। कोई डाउट इतने में? चलो आगे बढ़े, एक दो और आपको पेरेंट्स फाइंड आउट करना है, उसके बाद फिर चलेगा सेकेंड पॉइंट पे, ठीक है। चलिए सिंपल है, आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, सबको आप लिखो, नहीं लिखोगे तो कैसे पता चलेगा कि पेरेंट्स चेंज इस तरह से फाइंड आउट करते हैं। क्लियर? यस सर। अभी आप नंबरिंग की दर्द भी करो, फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन नंबरिंग भी फर्क पड़ेगा जब थर्ड स्टेप में जाएंगे ना, तो नंबरिंग प्रॉपर नंबरिंग होना चाहिए, इधर से नंबरिंग करेंगे कि इधर से नंबरिंग करेंगे। आई बस मैं अभी की रो से नंबरिंग करो, अभी कोर ग्रुप नहीं, अभी तुरंत हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया जी सर। फर्स्ट पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया, फाइंड द पेरेंट चेन, दैट मींस लॉन्गेस्ट चेन। कोई डाउट इतने में? तो आप लोग को लॉन्गेस्ट चेन ढूंढने आ गया। अब हम लोग चलते हैं सब्सिट्यूएंट पे, नेम ऑफ द सब्सिट्यूएंट, या आपको कहीं पे सब्सिट्यूएंट लिखा रहेगा, या पे कहीं पे ब्रांच चेन लिखा रहेगा, या कहीं पे साइड चेन लिखा रहेगा, तो आपको जो पढ़ने को मिले सबका मतलब एक ही है। सेकेंड पॉइंट पे चलते हैं, ओके। सेकेंड पॉइंट, रूल नंबर टू, रूल नंबर टू, नेम द नेम ऑफ द सब्सिट्यूएंट, नेम ऑफ द सब्सिट्यूएंट, या फिर ब्रांच, ब्रांच चेन, या फिर साइड चेन, आपको कहीं पे मिल जाएगा साइड चेन करके, कहीं पे ब्रांच चेन, या फिर कहीं पे सब्सिट्यूएंट, तो बोथ भी नहीं बोल सकते, क्या बोल सकते, तीन बोथ क्या बोल सकते हैं, एनी ऑफ दिस, एनी ऑफ दिस, दो दो रहता तो बोलते बोथ हर से, बट तीन है यहाँ पे, ऑल हर से, ठीक है। चलो तो हम लोग देखते हैं कि ब्रांच में आपका क्या क्या आ जाएगा। अभी हम जो नोमेनक्लेचर पढ़ रहे हैं ना, सिर्फ आपका होमोलोगस सीरीज का पढ़ रहे हैं, किसका पढ़ रहे हैं, होमोलोगस, होमोलोगस सीरीज। सर होमोलोगस क्या होता है? सिमिलर टाइप हो जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन हो, अभी सिर्फ होमोलोगस पढ़ रहे हैं। हेटरोलोगस क्या होगा? कार्बन के साथ आपका और कोई भी ग्रुप आ सकता है, जैसे हेलोजन आ सकता है, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो, या फिर एल्कोहल आ सकता है OH, या फिर एल्डिहाइड आ सकता है CHO, या फिर कीटोन आ सकता है CO, या फिर एसिड आ सकता है COOH, ये सब आएगा, ये सब आपका हेटरोलोगस सीरीज में आएगा। और फिलहाल अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, होमोलोगस सीरीज। तो हम लोग सब्सिट्यूएंट का जो नाम लिख रहे हैं अभी होमोलोगस सीरीज का, तो आपका जो भी सब्सिट्यूएंट आएगा वो कैसे आएगा वो हम लोग देखते हैं। देखो एल्केन फैमिली, एल्केन फैमिली, तो एल्केन फैमिली से हम लोग एक अगर हाइड्रोजन निकाल देंगे, एक हाइड्रोजन को क्या कर दिए, निकाल दिए, समझ में आया, तो क्या बन जाएगा, एल्काइल, क्या बन जाएगा, एल्काइल, ठीक है। इसका जीएफ क्या होता है, सी एन एच टू एन प्लस टू, इसका क्या हो जाएगा, सी एन एच टू एन प्लस वन। एग्जाम्पल हम लोग समझ लेते हैं, सी एच फोर क्या है इसका नाम, मीथेन,
तो इसमें से क्या बोले करने हाइड्रोजन माइनस एक हाइड्रोजन को माइनस करने के लिए CH3 तो क्या बन जाएगा CH3 ये माइनस नहीं है एक बॉन्ड है अभी पूरा बॉन्ड ही कंप्लीट है ना है तो इसको क्या बोलेंगे मिथाइल अगर आपका रहेगा C2H5 या तो इस तरह से आपको मिल सकता है C2H6 या फिर ऐसे मिल सकता है CH CH2 समझ में आया तो C2H5 हो गया इस तरह से रहे तो तब इसमें से एक क्या कर रहे हैं हम लोग माइनस कर रहे हैं हाइड्रोजन तो ये क्या बन सकता है CH3 CH2 H5 या फिर CH2 CH3 तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे इथाइल क्या बोलेंगे इथाइल तो इतना आप सब्स्टिट्यूएंट पहले उतार लीजिए उसके बाद इसके बारे में समझाएंगे उसके बाद इसके बारे में समझाएंगे और आगे पहले इतना उतारें आप लोग चलिए देखिए आपको आप इसके बारे में हम लोग कैसे समझेंगे ठीक है जैसे आपका यहां देखो CH3 CH2 C CH2 C2 H5 CH3 CH3 इस टाइप का आपका कुछ दिया हुआ कोई भी है कोई डाउट इतने में नहीं, नहीं ना अब हम लोग इसमें सबसे पहले दो रूल हम लोग सीख चुके हैं पांच ही है पांच कार्बन कितना दी वो भी देखते हैं हम लोग अभी अपने को दो रूल सीख चुके हैं दोनों रूल को अप्लाई करने का टाइम आ गया अभी तीसरा रूल नहीं सीखे हैं हम दो रूल सीख चुके हैं दोनों रूल को अप्लाई करके देखते हैं कि क्या होता है नहीं होता चलो पेरेंट्स से हम लोग ढूंढते हैं एक दो तीन चार पांच नीचे दो तीन चार पांच किधर से करेंगे तो पांच ही आएगा ठीक है तो हम लोग इधर से कर लेते हैं नहीं सर नीचे से करेंगे नहीं नहीं आपकी बस सर ऊपर से ऊपर से नहीं सर आप बालक लोग का बात मत सुनिए बालिका हैप्पी हैप्पी समझ में आ गया अब आपका इसको सर जिस तरह से ये जो किए हैं ब्रैकेट में डाल देंगे अब आपका जो ये बच गया ये जो आपका बच गया ये जो बच गया इसको बोलेंगे और ये जो बच गया इसको क्या बोलेंगे सब्स्टिट्यूएंट या साइड चेन तो अपने दिमाग में हम लोग रख लेते हैं अरे ये सी एच थ्री है तो सी एच थ्री को हम क्या बोलते हैं मिथाइल सी एच थ्री को भी तुरंत बताया ना सब्स्टिट्यूएंट सब्स्टिट्यूएंट नेम ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट उसके बाद सी एच थ्री रहे तो उसको बोलेंगे मिथाइल सी टू एच फाइव रहे या फिर सी एच टू सी एच थ्री रहे तो उसको इथाइल वन कार्बन एटम का रहे तो मिथाइल दो कार्बन एटम का रहे तो इथाइल तीन कार्बन एटम का रहे तो प्रोपाइल चार कार्बन एटम का रहे तो ब्यूटाइल समझ में आया लेकिन दो या तीन से ज्यादा कहीं नहीं मिलेगा सब्स्टिट्यूएंट बोलो क्या बेटा अभी आपको बोले ना होमोलोगसी सीरीज जा रहे हैं ना हेट्रोलोगस में क्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो अभी पढ़ना है ना ठीक है समझ में आ गया तो आपका एक कार्बन एटम का रहे तो मिथाइल दो कार्बन एटम का रहे इथाइल थ्री कार्बन एटम का रहे तो प्रोपाइल चार कार्बन एटम का रहे तो ब्यूटाइल लेकिन आपको इतना ज्यादा नहीं मिलेगा बोलो क्यों अगर इतना ज्यादा आ गया तो वो पेरेंट चेन में नहीं चलाया जाएगा सब्स्टिट्यूएंट में का ही जाएगा समझ में आ गया वो पेरेंट चेन में फिर काउंटिंग होने लगेगा ऐसा कंडीशन हुआ तो ठीक है तो इसका नाम अपने दिमाग में रख लिए मिथाइल इसका नाम है और इसका नाम इथाइल अपने दिमाग में रख लिए यहाँ इसको ये सब बोलते हैं ठीक है समझ में आ गया कोई डाउट इतने में कोई डाउट इतने में नहीं अब हम लोग स्टार्ट करते हैं थर्ड रूल दो रूल समझ में आया पहला रूल क्या था फाइंड द लॉन्गेस्ट चेन सेकेंड रूल क्या था नेम द सब्स्टिट्यूएंट समझ में आ गया थर्ड रूल क्या है लिखो लोएस्ट अच्छा लिखना भी लोएस्ट सम रूल लोएस्ट सम हाँ ये वाला सम सर इसके बाद टी लोएस्ट लोएस्ट सर बिजली
या फिर इसका एक और नाम समझो करेक्ट काउंटिंग, करेक्ट करेक्ट काउंटिंग। अब दोनों से कुछ भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। काउंटिंग को करेक्ट क्या होगा, लोएस्ट नंबर, इसको आप समझाते हैं, ठीक है। यही एग्जांपल है, इसी में लोग समझ लेते हैं क्या, यही एग्जांपल है इसी में लोग। पहले तो आप नंबरिंग किधरों से एक दो तीन चार पांच पेरेंट चेन ढूंढने के लिए कर ही देते थे, हम तो रोके भी नहीं कि भैया इधर से करो इधर से करो, वो भी हम लोग सीख चुके थे। लेकिन अब मैटर करता है, अब मैटर करता है कि किधर से काउंटिंग मेरा सही होगा, किधर से काउंटिंग मेरा सही होगा। अब हम लोग पहले LHS साइड से भी और RHS साइड से भी काउंटिंग करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इधर से स्टार्ट करते हैं, दो दो का ब्रैकेट में तीन चार पांच, इधर से करते हैं एक दो तीन पांच। सर काउंटिंग करते हैं, फायदा देखते हैं। आप देखते हैं काउंटिंग तो दोनों साइड से सर कर दिए, तो फायदा देखते हैं LHS साइड से और RHS LHS में। LHS साइड में पढ़ाई यही है, कितने नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट आया, दो तीन पे आया सब्स्टिट्यूएंट, तीन पे क्या आया दो एक दो, तो लिख देते हैं तीन और तीन कोमा देके लिखते जाएंगे। नहीं वो समझ कोऑर्डिनेट नहीं लिखना, 3.3 पोजीशन तीन नंबर पे आए, हां तीन नंबर पे यहां एक देखो सब्स्टिट्यूएंट है, हां और इधर भी तो एक सब्स्टिट्यूएंट है तीन नंबर पे। अच्छा मतलब अगर जिसके सब्स्टिट्यूएंट दो दो सब्स्टिट्यूएंट है ना तीन ही नंबर पे ना, हां समझ में आया सबको, जी जी। तो यहां पे तीन और तीन अलग, तो अगर नंबर कहां पर है, हां कितना नंबर पे, हां अगर RHS पे अलग वैल्यू आया, हां एक दो तीन, तीन पे भी एक आया और तीन पे इधर भी आया, तीन तीन ये बराबर आ गया। तो इसमें किधर भी करो फर्क ही नहीं पड़ेगा, समझ में आया। अब हम लोग एक दूसरा लेकर के देखते हैं, आपको दिखाते हैं कि किधर से काउंटिंग होना चाहिए। सर वो तीन के सारे पैकेजिंग में आई लिखना नहीं है, छोड़ो ना सर, अभी मेन दूसरा जो तीन के और पोजीशन लिखना है। हां पोजीशन सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन लिखते हैं, जैसे अगर चार सब में आता तो चार चार सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन लिखते हैं, देख दिखाते हैं। हां बोलो पढ़ना है, हमारे CS3 CS3 है ना, इथाइल आप लिखे हैं, हां उधर उधर आपका जो पेरेंट चेन ये है ना, पेरेंट चेन के रिगार्डिंग है ना, स्ट्रेट चेन सीधा पेरेंट चेन के रिगार्डिंग उसके रिस्पेक्ट में लेंगे ना आप, जब वो आपका ब्रांच का मेन स्टेम हो गया तो बाकी सब साइड चेन चला जाएगा ना, ये आपका ट्री हो गया, इसके साइड वाला आपका ना ब्रांच कहलाएगा, समझ में आया। देखते हैं फिर से समझिए, देखिए अगर जब तक नहीं ये समझ में आएगा तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे, बार बार समझा रहा है, पहले इसको हम लोग अच्छे समझ लेते हैं। देखते हैं CH2 CH2 CH3 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 CH3
ठीक है, आप सिंपल सी बात पेरेंट्स से ना आप यही फाइंड आउट करेंगे, अंधो आदमी यही फाइंड आउट करेगा, नहीं कर पाएगा इसके लिए ब्रेन में लिखा। ठीक है, अब हम लोग काउंटिंग करते हैं, एक दो तीन चार पांच, एक दो तीन चार पांच। ठीक है, अब ये आपका एलएचएस साइड हुआ, तो कितने पे सब्स्टिट्यूएंट आया, दो पे। आरएचएस पे चार,
चार। तो लोएस्ट कौन पढ़ रहा है? दो वाला। काउंटिंग आपका इधर वाला सही है, ये वाला जिधर से लोएस्ट आवे उधर से काउंटिंग आपका सही होगा। समझ में आया? ये आपका काउंटिंग गलत है, इधर से हम लोग नंबरिंग नहीं करेंगे, हम लोग इधर से नंबरिंग करेंगे। समझ में आया? समझ में आया। अब इसका हम लोग नाम लिखते हैं कि नाम इसका कैसे लिखेंगे। समझ में आया? अब इसका नाम लिखते हैं। सबसे पहले पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट लिखेंगे। हाउ टू राइट द नेम लिखो। ये वाला चेन कॉपी कर, हाँ पहले आप कॉपी पेस्ट कर लें। ये वाला एग्जांपल बहुत भयंकर है। चलो लिखो, हाउ टू राइट द नेम। फर्स्ट राइट द पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, राइट द पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। स्टॉप, हो गया? अरे स्टॉप लिखना नहीं है, हम बोले राइट द पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, एलएचएस मेरा ठीक था। आप देखते हैं पोजीशन कितने नंबर पे आया? दो नंबर पे लिख दिए दो, और इस तरह से डैश दे दिए, दे दिए हाइफन दे दिए। चलो पहला आपको लिख लिए, दूसरा लिखे नेम द सब्स्टिट्यूएंट, नेम द सब्स्टिट्यूएंट, नेम द सब्स्टिट्यूएंट दे दिए। तो ये सब्स्टिट्यूएंट का क्या नाम है? मिथाइल। एक कार्बन एटम का है CH3। CH3 को क्या बोलते हैं? मिथाइल। तो लिख देते हैं मिथाइल। टू मिथाइल हो गया। थर्ड राइट का, राइट थर्ड राइट का टाइम जल्दी भी थर्ड स्टेप क्या था? राइट द पेरेंट्स चेन नेम, राइट द पेरेंट्स चेन नेम। यहाँ लिखिए सिंगल बॉन्ड है तो ये लगेगा पेंटिंग। अरे भाई तुम चुप हो जा। राइट द पेरेंट्स चेन, अभी एल्केन फैमिली का ही चल रहा है ना, तो राइट द पेरेंट्स चेन नेम। कितने का फैमिली मेंबर आपका? पांच। पांच को क्या बोलते हैं? पेंटिंग। बस हो गया। क्या कितना तो सिंपल है सर, उसको एक साथ लिखते हैं। हाँ एक साथ छोटा रहेगा सब चीज। ठीक है सर, एक साथ लिखते हैं। हाँ इसी एक साथ लिखते हैं, स्मॉल लेटर ना, सारा स्मॉल। हाँ समझ में आया? कोई डाउट इतने में? अब एक और आप लोग से हम मिल के साथ में मिल के बनाते हैं। ठीक है चलो, गुलाबी गुलाबी ठीक है। चलिए अब इसको हम लोग कैसे करेंगे, हम एक बार समझते हैं फिर से। ठीक है एक बार, पहला हम क्या था? फाइंड द लॉन्गेस्ट चेन, फाइंड द लॉन्गेस्ट चेन। अपना यही लॉन्गेस्ट चेन है, चार का यही है लॉन्गेस्ट चेन। पहले देख लीजिए। हाँ बेटा, अरे वैसे भी चार ही बोले, एक दो तीन चार की ना सिंपल स्ट्रेट करेंगे सिंपल बात है ना, चार ही है। आप इधर भी ले सकते हो, कहीं कोई डाउट नहीं है। लोएस्ट इसमें अच्छे से नंबरिंग करेंगे। अब देखते हैं हम लोग, बन गया थोड़ा सा गलती है, थोड़ा गया। हाँ रुक जाइए ना। ठीक है अब पहला रूल था, दूसरा रूल आपका ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया, इसको इस तरह से हम लोग कर दिए। अब तीसरा रूल क्या था? करेक्ट काउंटिंग। अब हम लोग काउंटिंग करना सीखते हैं। एक दो तीन तीन चार, एक दो तीन चार, एचएस से काउंटिंग। ठीक है तो इधर से एलएचएस में चलते हैं, तीन तो ये तो तीन और तीन पे आया, दो सबसे चौड़े ना, तीन और दो, तीन और तीन तीन और तीन है। अरे इधर से आएंगे, अच्छा, तीन है,
तीन पे है ना, ये तीन हर पर लगना पड़ेगा, ठीक है, ये तीन तीन पे आया। और आर एच एस चलेंगे दो 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 तो दो दो पेगा। अगर आप इसको जोड़ेंगे तो लोहे को समरूप बोलते थे, तो इसको जोड़ेंगे तो छह आएगा, और इसको जोड़ेंगे तो चार आएगा। तो दोनों आप खोल कर लोग देखते हैं लोहे किधर से पड़ता है, इधर से, तो हम लोग का पॉइंटिंग इधर से सही है, ठीक है। तो इधर से लेके चलते हैं, ये वाला मेरा गलत हो जाएगा, इसको मिटा देते हैं, क्या मिटा दिए। अब हम लोग हाउ टू राइट द नेम, यही था। तो सबसे पहले पोजिशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट, दो और दो कोमा दे करके दे दिया, और यहाँ पे ठीक है हाइफन दे दिया। लेकिन अगर आप दोनों आप खोल के देखेंगे तो दो मिथाइल, दो मिथाइल है, तो दो को डाई, यही आपका मिस्टेक था। हाँ तो वो दो टू हटाइए वहां से, डाई मिथाइल लिखिए, नहीं कभी नहीं, गलती से गलती मत करना, डाइन नहीं, डाइन मिथाइल, डाइन मिथाइल, ब्यूटेन, पेरेंट्स का नाम क्या है, ब्यूटेन, समझ में आया, कोई डाउट, डाय क्या, अरे देखो तो ये मिथाइल ग्रुप जो है तो एक दो दोनों काउंटिंग करेंगे कितना होगा, दो, तो दो चीज को तो बोलेंगे कि हाँ दो तो रसगुल्ला है, दो आम है, तो डाय मतलब दो होता है। अगर वही तीन को रहता तो उसको ट्राई लिखते हैं, चार को लिखते रहता तो टेट्रा लिखते, पांच को रहता तो पेंटा लिखते, समझ में आया, चलो छह को रहता हेक्सा होता, सात रहता हेक्टा रहता, आठ रहता तो ओक्टा होता, नौ रहता तो नोना होता, दस रहता तो डेका होता, ग्यारह रहता तो अनडेका होता, बारह रहता दू डेका होता, हो गया ज्यादा चलेगा ना, चलो आज का।